हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। एसएससी सेलेक्शन पोस्ट फेज 9 की नई नोटिफिकेशन आ चुकी है। इसमें नया क्या है वो देखेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि लास्ट डेट क्या है फॉर्म फिल करने की, एज लिमिट क्या है। ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है वो इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, क्या आप पेपर दे सकते हो सेलेक्शन पोस्ट फेज 9 का। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर दें अगर चैनल पर नए हैं। ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। नया ये है कि इसमें एज लिमिट देखोगे आप 1 जनवरी 2021 है, जबकि ये एज लिमिट 1 जुलाई 2021 भी हो सकती थी, 1 जनवरी 2022 भी हो सकती थी। बट गुड न्यूज़ है कि इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है, तो आप देख सकते हो 91 बॉर्न 30 ईयर काउंट होंगे, 91 बॉर्न इस पेपर को दे सकते हैं। डिटेल्स जो है इसकी पोस्ट की वो आपको मिल जाएंगी ssc.nic.in में। कैंडिडेट जहाँ पर लॉग इन करते हैं वहाँ पर जाके डैशबोर्ड में आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है लेटेस्ट नोटिफिकेशन, ऐसे ही लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको दिख जाएंगी। और एक और तरीका मैं बताऊंगा, डायरेक्ट लिंक जहाँ से आप जा सकते हो, इन पोस्ट के बारे में देख सकते हो। तो गाइज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एक नई चीज़ जो है वो ये है कि क्रिशल डेट की, ओबीसी की तो जैसे आपको पता है क्रिशल डेट हमेशा आती थी। क्रिशल डेट जो रहती थी वो डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग, जो लास्ट डेट होती थी, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग वो रहती थी। इस बार ईडब्ल्यूएस के लिए भी इन्होंने लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग क्लियरली मेंशन किया है कि इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जो होगा आपका ईडब्ल्यूएस में वो 25 अक्टूबर 2021 तक होना चाहिए। यानी कि अब जो भी अपकमिंग एग्जाम्स एसएससी के थ्रू होंगे उनमें ऐसे ही नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगी, जिसमें इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपका उस लास्ट डेट पर होना चाहिए। अभी तक फाइनेंशियल ईयर वालों को क्लियर मिलता हुआ आ रहा है, क्रिशल डेट नहीं देखी जा रही, बट इन फ्यूचर ऐसा होगा। तो क्रिशल डेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए क्या है वो जैसे मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी 2021 एज लिमिट, और एजुकेशनल डिग्री आपने इस डेट तक ले लेनी चाहिए, लेनी होनी चाहिए। तो गाइज अगर आप एसेंशियल एजुकेशन देखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखना, मैंने वहाँ पर बताया है कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फॉर्म फिल करते वक्त आपको शो हो जाएगा एज का, तो एज के लिए रिलैक्स रहें कि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप फॉर्म फिल करोगे तो दिख जाएगा। कैंडिडेट को एक कैटेगरी के लिए हर पोस्ट के लिए अलग सेपरेट अप्लाई करना होगा, और सबमिशन 25 अक्टूबर है लास्ट डेट इसकी। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट, कि आपको प्रिंट आउट लेना है एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद, क्योंकि जब इनका डीवी होता है सिलेक्शन पोस्ट का तो उसमें ये आपसे फॉर्म मांगते हैं प्रिंटेड और उस ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट के साथ। एग्ज़ाम्स में, इस एग्ज़ाम में क्या आता है, 3 एग्ज़ाम होते हैं, मेट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन लेवल। तो उनमें सब में फॉर्मेट यही रहेगा आपका, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश। प्रीलिम्स का जो एसएससी के एग्जाम्स में सिलेबस होता है वही सिलेबस रहेगा, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। पेपर इजी आता है जैसा प्रीलिम्स का आता है वैसा ही। आपको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम ये मार्क्स सिक्योर करने होंगे। कट ऑफ बाद में डिसाइड होगी, बट आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल तभी हो सकते हैं जब आपने इतना स्कोर किया हो। तो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने फिल्टर आउट कर दिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी नोटिफिकेशन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हो अगर 5 वैकेंसीज हैं तो 1 से 20 तक, एक वैकेंसी के लिए 20 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा, अगर उससे ज़्यादा है तो एक के लिए 10 को, एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट। आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पर आपको देखना है एसेंशियल क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, वो इस लिंक पर क्लिक करना है आपको। नोटिफिकेशन में एनेक्सर 3 आपको मिल जाएगा सबसे एंड में, इस लिंक पर क्लिक करना और सीधा आप पहुँच जाओगे जहाँ पर आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन दिखेगी आपकी। तो आप क्लिक करना, जैसे यहाँ पर आपको इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा डिटेल्स में, और वहाँ पर आप व्यू डिटेल में क्लिक करोगे तो आपको उस पोस्ट की जानकारी मिल जाएगी। जैसे जूनियर इंजीनियर के देखनी है तो व्यू डिटेल में जाके आप देख सकते हो कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी है। तो आप अप्लाई कर सकते हो, इसकी सबसे अच्छी बात है कोई भी ग्रेजुएशन वाला अप्लाई कर सकता है, जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो वेल एंड गुड है। तो आप एसएससी कोर 1-3 पर इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाती है, रैंकर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो 2020 का।